चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं अपना सूजी टोस्ट। सूजी टोस्ट बनाने के लिए हमने एक कटोरी सूजी की ली है, ये हम अपने बोल में डाल लेंगे। हमने लिया है 1/3 कटोरी दही की, वो भी डाल देते हैं इसमें। मेजरमेंट हम एक ही कटोरी की रखेंगे, जिससे हमने सूजी डाली है उसी से हम जो है ये दही भी डालेंगे, वही मेजरमेंट लेंगे। इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा नमक, तकरीबन 1/3 स्पून। आप कम ज़्यादा अपने टेस्ट के अनुसार कर सकते हैं, कई लोग ज़्यादा नमक खाते हैं तो उस दौरान ज़्यादा डाल सकते हैं, और जो कम पसंद करते हैं वो थोड़ा कम डाल लें। थोड़ी ऑरिगेनो डालेंगे 1/3 स्पून। ऑरिगेनो में भी थोड़ा सा नमक होता है, ये डोमिनोज टाइप ऑरिगेनो है, बाज़ार में मिल जाती है। इसमें गार्लिक का फ्लेवर भी होता है, बहुत टेस्टी होती है। यही लें, आपको मिल जाएगी बहुत आसानी से। चिली फ्लेक्स डालेंगे 1/3 स्पून, काली मिर्च 1/3 स्पून। काली मिर्च का फ्लेवर भी इसमें बहुत अच्छा लगता है। इसमें हमने आधी गाजर को कद्दूकस कर रखा है, थोड़ी सी डालेंगे गाजर इसमें। थोड़ी सी हम डालते हैं इसमें अपनी शिमला मिर्च कटी हुई बारीक, या आप इसको ग्रेट भी कर सकते हैं कद्दूकस से। बारीक कटा हुआ प्याज तकरीबन 1 चम्मच को मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा इसमें पानी डाल लेते हैं, थोड़ा सा और डालेंगे, अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। बहुत पतला हमने इसको नहीं करना है, इसी तरह से रखेंगे। आप देख सकते हैं कंसिस्टेंसी इसकी। इसको अब हम 10 मिनट के लिए ढककर रख देंगे ताकि हमारी सूजी जो है वो फूल जाए। 10 मिनट हो चुके हैं, हम अपने बैटर को चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं काफी गाढ़ा हो गया है, ये देखिए। इसमें हम हल्का सा पानी डालेंगे और तकरीबन 1 चम्मच। इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम अपनी गैस खोलेंगे और पैन को गर्म करेंगे। पैन को हमने गर्म करके रख दिया है, जितनी देर हमारा पैन गर्म होता है हम इसमें इनो डाल देते हैं। इनो हमने बिल्कुल लास्ट में डालनी है, 1 चम्मच हमने इनो का डालना है और इसको मिक्स कर लेंगे। यार देख सकते हैं हल्के हाथों से हमने इसको मिक्स करना है। अब देख सकते हैं किस तरह से ये फूल रहा है। अब हम अपने पैन को चेक कर लेते हैं। पैन को हमने गर्म करने रख दिया है, इसको इसके ऊपर हम थोड़ा ऑयल लगाएंगे, इस तरह से ब्रश कर लेंगे। आप देख सकते हैं अच्छे से ऑयल लग गया है इसके ऊपर। अब हम ये जो हमने बैटर बनाया है ये इस पर स्प्रेड कर देते हैं, गैस को हल्का कर देते हैं। इसको स्क्वायर शेप में स्प्रेड करने की कोशिश करेंगे। ये आप देख सकते हैं हमने इसको स्प्रेड कर दिया है बिल्कुल स्क्वायर शेप में। थोड़ा सा इसके ऊपर ऊपर से ऑयल लगा देंगे इस तरह से। गैस को हल्का रखेंगे और इसको ढक देंगे। इसको इस तरह से ढककर हम इसको 2-3 मिनट के लिए पकाएंगे, उसके बाद इसको चेक करेंगे। अभी 1 ही मिनट हुआ है, अभी इसको 2 मिनट हम भी और रखेंगे। हल्की गैस पे अच्छे से पक जाएगा नीचे से। हमने ग्रिलर वाला शेप का हमने जो है ये पैन लिया है, आप देख सकते हैं इसमें लाइंस लगी हुई हैं। इस पैन में वही वाला पैन लें, अच्छी जो है इसमें लुक इसकी बहुत अच्छी आएगी। आप चाहें तो इसमें नॉनस्टिक नॉर्मल में भी बना सकते हैं, इसको बहुत आसानी से इजी बन जाता है। आजकल बच्चे बहुत लाइट खाना पसंद करते हैं, बड़े भी बहुत लाइट खाना पसंद करते हैं, तो ब्रेकफास्ट में हम इसको बना सकते हैं, बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनता है ये। इसको टोमेटो केचप के साथ, चटनी के साथ, आप इसको किसी भी डिप के साथ खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो अभी आप 1-2 मिनट तक और इसको देखेंगे और फिर इसको पलटेंगे। 3 मिनट हो चुके हैं, चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ऊपर से ये काफ़ी हद तक हो चुका है,
इसमें हम जरा सा रिफाइंड ऑयल अपना और लगा लेंगे। बड़ी आसानी से ये निकल जाता है, आप देख सकते हैं ये किस तरह से हिल रहा है। नॉनस्टिक में यही एक फ़ायदा, ये बहुत बड़ा फ़ायदा है कि इसमें चिपकता नहीं है। इसको हम निकाल लेते हैं। इसको पलट देंगे। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है, बहुत ही बढ़िया टोस्ट बना है हमारा। दूसरी साइड से भी हम इसी तरह से इसको क्रिस्प कर लेंगे। इसको हम फिर से ढककर 3 मिनट के लिए और रखेंगे। 3 मिनट हो चुके हैं, इसको निकाल लेते हैं। गैस को तेज कर लेंगे और इसको पलटेंगे। यहाँ से भी अच्छा क्रिस्पी हो गया है, हमारा टोस्ट बन चुका है आप देख सकते हैं। आप चाहें तो इसको थोड़ा और क्रिस्पी कर सकते हैं। टोस्ट हमारा बनकर तैयार है, ये बिल्कुल ब्रेड के जैसा लग रहा है, बिल्कुल जो है फीलिंग ये ब्रेड वाली देता है, बहुत ही टेस्टी है। इसको हम जो लोग डाइटिंग कर रहे हैं वो भी खा सकते हैं। ऑयल हम इसमें अपनी मर्जी के हिसाब से लगाएं। गैस को बंद कर देते हैं, बन चुका है, इसको निकाल लेंगे अब सर्व करेंगे। जो डाइटिंग कर रहे हैं वो भी इसको खा सकते हैं, बहुत ही हमने कम ऑयल लगाया है इसमें। आप देख सकते हैं जितना लगाया है उतने में भी ये बाहर जो है अभी पूरा यूज़ नहीं हुआ है। नॉन स्टिक में जितना यूज़ होता है उतना ही इसमें थोड़ा सा यूज़ हुआ है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा कम और कम लगा सकते हैं। और इसको बहुत ही लो कैलोरीज वाला ये ब्रेकफास्ट है, आप इसे खाएं, आपकी वेट लॉस में भी आपकी बहुत हेल्प करेगा। तो आइए इसे सर्व करते हैं। सूजी ब्रेड टोस्ट हमारा बनकर तैयार है, बगैर ब्रेड के हमने इसको बनाया है, बहुत ही बढ़िया जल्दी से बन गया है। आप इसे मेरी रेसिपी से ज़रूर बनाएं और ज़रूर खाएं। सबको ब्रेकफास्ट में दें, बच्चों को टिफ़िन में डाल के दें, चाय के साथ जब मर्जी खाएं, आपके घर में आपके दोस्त फ्रेंड्स आएँ उनको भी ज़रूर खिलाएँ चाय के साथ। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आप ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए और प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें। आपके कमेंट का मुझे हमेशा इंतज़ार रहता है। और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।